Truancy. Truancy is basically a milder form of delinquency, and it refers that a child is uh, frequently misses the school uh, without any adequate reason. तो basically जो बच्चे होते हैं या जो adolescents age के लड़के या लड़कियां होती हैं, वो school को miss करते हैं। क्यों? क्योंकि वो miss करना चाहते हैं। They don't have any एनी वैलड एक्सक्यूज़ फॉर डूइंग दैट और ये जो बच्चे होते हैं आमतौर पर कहा जाता है कि जिन बच्चों के अंदर ट्रुवेंसी uh, का फनोमिना मौजूद हो वो uh, डेलीकुंट बिहेवियर की तरफ मूव कर जाते हैं बट अगेन इट इज़ नॉट कम्पल्सरी लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि जो ट्रुवेंसी है वो uh, प्रोडिक्टर होती है डेलीकुन बिहेवियर की आ लेकिन ट्रुएंसी है क्या इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि स्कूल रिफ्यूज़ल जो आमतौर पे आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल जाने से इनकार करते हैं उसमें और ट्रुएंसी के अंदर फ़र्क क्या है अगर हम इसके फ़र्क की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्कूल रिफ्यूज़ल है उसमें आम तौर पर बच्चों के पास जो है कोई वैलिड रीज़न होता है या वर फीलिंग द इमोशनल डिस्ट्रेस वो चूंकि इमोशनल डिस्ट्रेस फील कर रहे होते हैं इस वजह से वो स्कूल जाने से इनकार कर रहे होते हैं सेकेंडली उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पता होता है कि वो स्कूल नहीं जा रहे और बच्चा जो है वो किसी किस्म की एंटी सोशल एक्टिविटी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता एंटी सोशल एक्टिविटी का मतलब या बिहेवियर का मतलब ये है कि वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होता वो बच्चा लाई नहीं कर रहा होता वो बच्चा किसी को डॉज नहीं कर रहा होता वो बच्चा फ्रॉड नहीं कर रहा होता और इसी तरह जो स्कूल आवर्स हैं उसके अंदर जो एडोल्सनस है या जो चाइल्ड है वो सेफ इन्वायरमेंट में रहेगा यानी अपने घर में रहेगा या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहेगा जहां उसके पेरेंट्स को पता होगा कि बच्चा वहां पर है और वो स्कूल नहीं गया और इसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं जो स्कूल रिफ्यूज़ल वाले होते हैं ये विलिंगली होमवर्क करने के लिए तैयार होते हैं और स्कूल की एडिकुएटली जो भी काम हो रहा होता है उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं दो कि वो स्कूल नहीं जा रहे होते बट दे आर ट्राइंग टू कम्प्लीट देयर वर्क एट होम इसके ऑपोजिट जो ट्रुएंसी है उसके अंदर उनको किसी किस्म का फियर नहीं होता स्कूल जाने का बल्कि वो जाना ही नहीं जाते और चूंकि वो जाना ही नहीं जाते इसलिए वो ना जाने की रीज़न को अपने पेरेंट्स से हाइट करते हैं सेकेंडली इसमें जो बच्चा है वो एग्जिबिट करता है एंटी सोशल बिहेवियर को यानी वो झूठ बोलेगा वो फ्रॉड करेगा वो स्टीलिंग करेगा वो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताएगा कि वो स्कूल नहीं गया हुआ इसी तरह जो स्कूल आवर्स हैं उसके दौरान वो घर में नहीं मौजूद होगा जिस तरह हमने बात की थी कि जो स्कूल रिफ्यूज़ल होता है उसमें बच्चों के पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे कहाँ पर हैं यानी वो सेफ एनवायरनमेंट में है घर में है या किसी रिलेटिव की तरफ है जबकि ट्रोवेंसी के अंदर जब बच्चा स्कूल छोड़ेगा तो उसके पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि बच्चा उस वक़्त कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है ठीक है इसी तरह इस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अपने स्कूल वर्क में नहीं होगा और लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उसका जो स्कूल का काम है वो भी पूरा नहीं हुआ होगा और उसका और ना ही वो उसके अंदर किसी किस्म का इंटरेस्ट लेगा तो मेन डिफरेंस जो है वो स्कूल रिफ्यूज़ल में और ट्रुएंसी में अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो वो इस तरह होगा कि स्कूल रिफ्यूज़ल में जेनवन रीज़न होगी जबकि ट्रुएंसी में किसी किस्म की जेनवन रीज़न नहीं होगी एक में एंटी सोशल बिहेवियर एग्जिबिट हो रहा है ट्रुवेंसी में जबकि स्कूल रिफ्यूज़ल में एंटी सोशल बिहेवियर एग्जिबिट नहीं हो रहा स्कूल रिफ्यूज़ल में पेरेंट्स को पता है कि बच्चा कहाँ है ट्रुएंसी में पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा कहाँ है तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल रिफ्यूज़ल और ट्रुएंसी थैंक यू